पहले अपने राइट लेग को और थोड़ा ऊपर उठाइए। कोई बात नहीं, अब ये इस लेफ्ट को उठाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए एक्सरसाइज बहुत है। हम दोनों को एक साथ चाय पिए अरसा हो गया है। चलो आज दोनों बैठकर एक एक कप चाय का पीते हैं और साथ में ना बेकरी के नान खटाई वाले बिस्किट हो जाए, है ना? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम कब से क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। गोपिका, पहले तुम झूठ बोलने के लिए ट्यूशन ले लो और जब झूठ बोलना सीख जाओ तब मुझसे बात करना। कमाल करती तुम भी। अब जल्दी से बताओ क्या बात है। वो जग्गी जी, मुझे लगता है कि आज रमा खान के साथ ज्यादा ही रूड पेश आए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत किया, पर गोपिका ज्यादा नहीं था, बहुत कम था, क्योंकि तुम्हारा उस टिक्की कुमार को ना बातों से नहीं दांतों से बात समझानी पड़ती है। आओ आओ दाइमा, आज तो हम आपको गुजराती खिचड़ी और खट्टी मीठी कड़ी खिलाने वाले हैं। हाँ। अरे वाह सीता, एकदम करेक्ट टाइम पे चाय लेके आई है, क्या बात है दिकरा। ये क्या जगीड़ा, तू फिर से भजे का पैकेट उठा के ले आया? आज वैसे भी घर में पकोड़ा कड़ी बनने वाले। ओ मामी आंटी, तू कोई ज्योतिषी है, है? तुझे सब कुछ पहले पता चल गया? देखा तूने है नहीं, पहले बता दी थी भजू यार, खाने की पड़ी रहती तुझे बस। हाँ ठीक है खोल। इतने सारे गजरे, वो क्या है कि यहाँ गजरे वाला है तो मैं सोचा कि सब लिए क्यों ना गजरे। अरे वाह। अरे सीता भाई इधर। और सबके लिए बांट दो। अरे वाह थैंक यू। गोपिका, ये तुम्हारे लिए। जगी जी, मैं अभी तो नहीं लगा पाऊंगी, ये देखिए ना मेरे हाथ में तो। अरे कोई बात नहीं जगीरा, तू खुद ही पहना दे इसे। जगी जी, आप ही लगा दीजिए ना।
क्या कर दिया मैंने? जाकी जी को मुझे कचरा लगाने नहीं देना चाहिए था, ये सही नहीं हुआ। बिल्कुल सही हुआ। मैं जानती थी जब तुम हम सबके साथ थी तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन जब तुम कमरे में आओगी और अहम को देखोगी तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा। जग्गी तुम्हारा पति है और पति होने के नाते उसने तुम्हारे बालों में ये गजरा लगाया तो कुछ गलत नहीं किया है। आप जानती हैं ना भांजी कि मैं अहम जी को नहीं। अहम अब हमारे बीच नहीं है। तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र जग्गी के नाम का है। तो आप क्या चाहती हो भांजी कि मैं अहम जी को भूल जाऊं? नहीं, अहम को आजीवन भूलना नामुमकिन है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अहम मेरा बेटा था, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। अहम के जाने के बाद जग्गी का हमारे जीवन में आगमन हुआ तो मैंने अपनी बाहें फैलाकर सच्चे मन से मेरे अहम का स्थान जग्गी को दिया। जब हमारे अपने हमें छोड़कर जाते हैं तो उसे खोने के दुख को हम ज्यादा महत्व देते हैं। मैं जानती हूं कि जब अहम अपनी माँ को छोड़कर गया तो बहुत दुखी हो रहा होगा, लेकिन जब अहम ने देखा कि मैंने जग्गी को सच्चे मन से अपना बेटा माना है तो वो यकीनन खुश हो रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस तरह से दुखी देखकर अहम खुश होगा? नहीं, तुम जग्गी के साथ रिश्ते में बंद तो गई हो लेकिन जग्गी को पति के अधिकारों से वंचित रखा है तुमने। तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है और पति होने का उसने हर पल पर्स निभाया है। मैं अहम की माँ अब तुमसे कह रही हूं, अब समय आ गया है गोपी, जग्गी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सही कहा ना मैंने अहम? गोपी, पहन लेना, जग्गी ने बहुत प्यार से तुम्हारे बालों में ये गजरे लगाए थे। खुश रहो। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।